दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पे। आप सभी परिचित हैं हमसे, मैं सुधीर सर। बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर चैप्टर नंबर वन ही पढ़ाएंगे क्या। तो चलिए भैया, इंतज़ार वो ख़त्म हुआ और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर वन पे। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको तीन एक्सरसाइज पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, कौन क्वेश्चन फिक्स है जो हर साल आता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे और कुछ नई चीज़ें भी मिला के, यानी कि वास्तविक संख्याएं है आसान लेकिन कुछ चीज़ें हैं बड़ी कठिन। जानते हैं बहुत चीज़ें आप पहले से हैं, लेकिन क्या है कि उसमें जो है थोड़ा सा हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ नई चीज़ें आपके साथ ऐड होंगी जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके जानने में भी कुछ गलतियां हैं और आप उसमें हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे कि जानते हुए भी चीज़ें आप क्या हैं गलत जानते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ से, चूँकि चैप्टर नंबर वन नहीं पढ़ाए थे हम। और एक चीज़ और, तीन चैप्टर हम पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर टू तो हट गया है, थ्री दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम चैप्टर नंबर थ्री को अभी समय देते हैं, चैप्टर नंबर थ्री। चलिए रिविज़न की बात है, चैप्टर नंबर थ्री। जिन भी बच्चों को चैप्टर नंबर थ्री में जितने भी एक्सरसाइज हैं, पांच, शायद पांच एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2, ठीक है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे संभवतः करके है। यहाँ से पांचों एक्सरसाइज साथ में एग्जाम्पल, ठीक ना, कोई भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करेंगे। लेकिन कमेंट करने का तरीका है कि आप अपना नाम, अपने जिले का नाम और क्वेश्चन नंबर भी आप मेंशन करेंगे, किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन। अगर हो सके तो पेज नंबर मेंशन कर दीजिए तो और बेहतर है। तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम जो भी चैप्टर पढ़ा चुके हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस खत्म हो गया। एक तरह से रिवीजन भी चलता रहेगा, आप साथ में जो चैप्टर साथ में चल रहा है वास्तविक संख्या है वो तो चलेगा ही। आप साथ में यहाँ पे पूछ सकते हैं, आप फ्राइडे फ्राइडे तक आपके पास समय है तो इतना सवाल लगाइए। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर पढ़ लिए उसको छोड़ दें, छोड़ देंगे तो छूट ही जाएगा। तो यहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर जो भी बच्चे, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम था ग्राफ में, ग्राफ वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम था, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मैं बताऊँगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएँ क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। यूट्यूब पर कोई भी ऐसा नहीं करेगा, जो चैप्टर पढ़ा दिया गया उनका काम खत्म हो गया, उसके बारे में आप कभी डिस्कस ही नहीं होगा। आप पूछ सकते हैं, शनिवार को डाउट सेशन रहेगा, हर शनिवार को। आइए प्राकृतिक संख्याएं क्या है मेरे प्यारे भाई, जो सभी लोग जानते हैं, एक बार हम देख लेते हैं आरडीयू वीडियो सही आ रहा है, उसके बाद हम जो है प्रारंभ करते हैं चीज़ों को। चलिए बहुत बढ़िया आ रहा है। प्राकृतिक संख्याएँ क्या है, सबको पता है कि वह संख्याएँ जो 1, 2, 3, देखिए इसका जो हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर, क्या है 1, 2, थोड़ा सा जानना जरूरी है, 4, 5 इस तरह से, ठीक है, ये डॉट 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 यहाँ तक इन्फाइनाइट तक जाएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या है कि ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि 3.4, 3.5, अगर जैसे इस तरह का नंबर, ये हमारे नेचुरल नंबर नहीं होगा, 3.758, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, उसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। और वन से शुरू होने वाली संख्याएँ क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए तो यहाँ पर फिर से पूर्ण संख्याएं क्या है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर, 0, 1, 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है बहुत जगहों पे कि क्या क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं। तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, यानी कि नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी कि रखता है, ये बड़ा है ये छोटा है इसके अंदर, ये जो चीज़ है नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाता है। चलिए ये चीज़ होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो नेगेटिव नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंटीजर की बात आ जाती है, पूर्णांक। पूर्णांक में भी दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जेड में हमारा हो जाता है, इसमें भी दो प्रकार का होता है, जेड प्लस और जेड माइनस, ध्यान दीजिएगा, जेड प्लस और जेड माइनस। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। धनात्मक पूर्णांक यहाँ से जीरो से शुरू हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ तक यहाँ से हो जाता है। यहाँ देखिए ये -1, -2, हालांकि इधर ऐसे कर देते हैं, -1, -2, क्लियर, -3, -4, -5,
हालांकि इसको ऐसे घटते हुए क्रम में लिखना चाहिए, लेकिन समझिए। तो जो पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी अगर हम जब भी जेड की बात करें तो जेड जब भी बोला जाए तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक उसमें क्या इंक्लूड है। अब धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर देख लीजिए, ये जब नंबर लाइन पर चलते जीरो, इधर वन टू थ्री, ठीक है, इधर इधर क्या होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, पूर्णांक बोल दिया जाए तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों उसमें रहेगा। और सिर्फ सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोला जाए तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन, धनात्मक जो जीरो है, जीरो सर धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। देखिए जीरो पे एक तरह से कह सकते हैं अभी मतभेद है, या जीरो का जब मतलब ही कुछ नहीं होता है तो इसको कहीं पे भी फिट हो जाता है, ठीक है, ये कहीं पे भी फिट हो जाता है जीरो नंबर, तो इसको धनात्मक पूर्णांक की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी लेकिन जानना जरूरी, क्योंकि चैप्टर वास्तविक संख्याएँ और वास्तविक संख्याएँ आखिरी में आता है नौवें नंबर पे, तो आखिर में क्या दिक्कत है कि ये नौवें नंबर पे आ रहा है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या है जानना जरूरी है। हम चाहें तो सीधे जो है सीधे थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन जानना जरूरी है, छोटा सा सेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। सम संख्याएँ क्या हैं, बहुत सभी बच्चे बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, इवन नंबर इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, इवन नंबर, जो दो का मल्टीपल, जो दो का गुणा, जो दो ना के चार छः आठ दस, ठीक है, इस तरह से जो भी संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि हम बात करें कि कोई भी नंबर अगर x है, अगर 2 इंटू एम टाइप का है, कोई भी संख्या जो दो का गुणज है, ठीक है, अब x जैसे 2 यहाँ पे 1 हो सकता है x की वैल्यू, यहाँ पे क्या हो सकता है 2 इंटू 2 हो सकता है x की वैल्यू, हो सकता है 2 इंटू 3, ठीक है, x की वैल्यू हो सकता है 2 इंटू 4। अगर कोई भी संख्या दो का मल्टीपल है, दो का गुणज है, तो वह संख्या सदैव क्या होगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, जान लीजिए, इंग्लिश भी जाना जरूरी है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सब, ये सारी संख्याएं दो से विभाजित न होने वाली हैं, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इवन नंबर को, और इसे किससे, ऑड नंबर, ये ओ है, ऑड नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो है हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं जो हैं, विषम संख्याओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से किया जाता है, अगर हम बात करें 2m+1 टाइप की होती हैं, m आप क्या है, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ऐसे रखते जाइए, इंटीजर रखिए, ठीक है। सबसे छोटी जो हमारा विषम संख्या 1, 1, 3, 5, 7, 9, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे m की वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 रखिए यहाँ पे, x इक्वल टू 1 आएगा, 1 हमारा क्या है, विषम संख्या है। चलिए, ये जो नंबर है 2m+1 लिखा गया है, ये हमेशा एक विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कब, जब m की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 रखिए 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे m की वैल्यू 2 × 1, 3 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 × 6, 2 रखेंगे ना, 2 × 4 एक 5, 5 हमारा क्या है, विषम संख्या, 3 रखेंगे 3 × 6, 6 × 7, 7 एक क्या है, विषम संख्या। तो ये जो है हर हाल में क्या होता है, अगर कोई भी संख्या 2 × m टाइप का है तो सम होगा, अगर 2 × m+1 कर दें वो संख्या क्या हो जाती है, विषम संख्या। वैसे सबको पता है कि अगर कोई भी सम संख्या है, 2 है, जैसे 4 है, 6 है, अगर इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो ये तुरंत विषम संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा क्या, 7। तो कोई भी संख्या अगर सम है तो जैसे ही उसमें 1 ऐड किए वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है विषम संख्या में। जैसे यहाँ पे 2m संख्या क्या थी, सम थी, ठीक है, ये संख्या सम थी, जैसे इसमें हमने 1 ऐड किया तुरंत किस में कन्वर्ट हो गई, विषम संख्या में, ये चीज़ है। तो विषम संख्याएं हमेशा 2m+1 के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पे m हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक, अगर x 2m के फॉर्म में है तो ये संख्या सम हो जाती है, और m हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से रहेगा, क्लियर है। तो ये छोटी सी जानकारी जो 1, 2, 3, 4, 5, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है,
भले आप पहले से जानते हैं तो क्या, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर ही भैया हमारा वास्तविक संख्या है, जो हेडिंग है उसके बारे में ही अगर नहीं जानेंगे तो उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं हो सकता है ना समझ में आए, बहुत नई चीज़ें आपको बताएंगे। बेहतर आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पाई होता है, पाई का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, और बहुत बच्चे परेशान होते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22 पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो ये बताइए कि जब पाई 22/7 के बराबर होता है, और ये परिमेय संख्याएं होती हैं 22/7, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है, अब दोनों बराबर, दोनों के बीच में बराबरी का चिन्ह लगा हुआ है, तो बताइए कि ये दोनों चीज़ अगर बराबर है तो इसका बिहेवियर जैसा होना चाहिए वैसा ही इसका होना चाहिए, कि बराबरी का मतलब ये होता है कि जैसा ये है वैसा ही है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, छोटा सा पॉइंट होगा। और किसी संख्या को जो हम भाग देते हैं तो कभी कभी भाग देते देते दशमलव क्या हो जाता है, जैसे दशमलव में जाते 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 संख्याएँ रुक जाती हैं, यानी कि टर्मिनेट हो जाती हैं, या कभी कभी आप भाग देते हैं तो भाग लगातार चलता जाता है, रुकता नहीं है, इस तरह की संख्याओं को क्या नाम दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जब किसी एक संख्या को एक संख्या दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है, धनात्मक पूर्णांक को एक दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है, तो शेष जो भाजक भागफल और शेषफल में क्या कनेक्शन है, ठीक है, और भाग देने के पीछे में क्या रीज़न होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और हम डिस्कस करेंगे कि दो संख्याओं का जो है HCF हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का क्या मतलब है, ठीक है, और गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पहले से जानते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो वन से विभाजित हों और खुद से। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें अभाज्य संख्याएं तो इसको आप किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से रिप्रेजेंट करिए, प्राइम नंबर, इसे अभाज्य संख्याएं, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं जो प्राइम नंबर है वो वन को नहीं रखा जाता है, ठीक है, दो टू थ्री फाइव सेवन नाइन नहीं होगा, एलेवन हो जाएगा, ठीक है, थर्टीन हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्टीन सेवनटीन हो जाएगा, नाइनटीन हो जाएगा। अब बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर नाइन क्यों नहीं होगा, नाइन जो है वन से डिविजिबल है, यानी कि एक से भाग जाएगा, तीन से भाग जाएगा और नौ से, तो इसकी जो डिफिनीशन है प्राइम नंबर का, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य मतलब किसी से भाज्य न हो, वन से तो सारी दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं विभाजित हो ही जाती हैं, लेकिन वन के अलावा कोई भी संख्या खुद से और वन से हमेशा विभाजित होती, इसके अलावा अगर कुछ ही और से विभाजित हो तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, तो वैसी नंबर जो वन से डिविजिबल हो और साथ में खुद से, खुद अपने आप से, टू ऐसा नंबर है जो वन से डिविजिबल होगा टू से, थ्री ऐसा नंबर है जो थ्री से डिविजिबल होगा वन से, फाइव फाइव से डिविजिबल मतलब भाग जाना, ये चीज़, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। अब देखिए बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे यहाँ पर नाइन है, एलेवन की बात करें, तो अगर नाइन जो है यहाँ पे नाइन अगर पूछ दिया जाए कि नाइन विषम संख्या है जबकि अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो सारी की एक चीज़ हम बता देते हैं कि सारी की सारी जो प्राइम नंबर हैं, जो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं, सभी की सभी विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं, ठीक है, यहाँ पे नौ है, देखिए कितना नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, यहाँ पे तेरह हो जाएगा ऑड नंबर है ना, तेरह है, पंद्रह है, सत्रह है, ठीक है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, क्योंकि डिफिनीशन हमारी ये है जो विषम संख्या है कि वो दो से भाग नहीं जाना चाहिए, ये दो से भाग नहीं जाना चाहिए, और इसमें क्या है कि वह संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटें और वन से कटें, तो अंतर मिल रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 15 जो है, 15 यहाँ पे विषम संख्या में आ गए, जबकि 15 यहाँ पे क्या है, 15 हमारा जो है नहीं है यहाँ पे प्राइम नंबर में, क्योंकि 15 जो है तीन से डिविजिबल भी हो जाता है, पाँच से भी हो जाता है, वन से भी हो जाता है, और 15 से भी हो जाएगा, कि 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो एक एक बार में भाग चला जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी लेकिन अभाज्य संख्याएं जितनी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारी की सारी संख्याएं इसमें हैं, तो यानी कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हैं, किंतु सारी विषम संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है।
उसी तरह से आप भी कह सकते हैं कि सारे के सारे जो होल नंबर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं है। क्लियर है? सभी के सभी जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक सभी जो पूर्णांक हैं वो हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, लेकिन सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर हमारे क्या हैं, पूर्णांक नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला इंटीज जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -1, -2, -3, कुछ अलग चीज़ सीखने को मिल रहा है, -4, -5, तो ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर तो हो गया भैया, लेकिन को प्राइम नंबर का क्या झंझट है? तो ऐसे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, इसको पेयर में लिखा जाता है, जैसे हम बात करें 3 और 5, अगर हम देखा जाए तो 3 में अगर 3 का हम गुणनखंड करें, 3 का गुणनखंड करें तो 3 × 1, इसके अलावा 5 का गुणनखंड करें तो 5 × 1, इन दोनों में ही उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है। ठीक है, जैसे और भी संख्याएं बताइए, 7 और 9, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। 11 और 15, ये सारे नंबर इस तरह से जो है क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अगर हम इसका गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड करें, तो दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, इसका गुणनखंड करें, इसका गुणनखंड करें, 7 का आप करेंगे तो 7 × 1 होगा, और 9 का करेंगे तो 3 × 3 × 1 होगा, दोनों में 1 गुणनखंड क्या है, 1 है, 1 के अलावा कुछ है, तो ये 7 और 9 क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो जानना जरूरी है, चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब आते हैं परमेय संख्याएं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में, सीधे जो है शुरू कर देते हैं लोग वास्तविक संख्याएं, लेकिन वास्तव में वास्तविक संख्याएं हैं क्या, ये आपको जानना जरूरी है, तभी चैप्टर का जब से शुरुआत ही इसे नाम है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। और ये जो डाउट वाला चीज़ें हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, ऐसे बारी बारी से, शनिवार को डाउट हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, अगले वीक हो जाएगा द्विघात समीकरण का, अगले वीक हो जाएगा त्रिभुज का, और इस तरह से हमारा चैप्टर भी आगे बढ़ता रहेगा और रिवीजन भी जो डाउट है वो भी चलता रहेगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी परमेय संख्याएं, इसको हम मिटा देते हैं, सब नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, पहले से आप जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है आपको हर बार पढ़ेंगे, हर बार नया चीज़ मिलेगा। ठीक है, हर बार नया मिलेगा। परमेय संख्याएं जो 8वें नंबर पे है, यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं परमेय संख्याएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में, परमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं भैया रेशनल नंबर, ये जो है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, वो हर एक नंबर परमेय संख्याएं क्या है, वो हर एक नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, वो हर एक नंबर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर, ठीक है, अभी बता रहे हैं, जहाँ पर डिफिनीशन देख लीजिए, q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जहाँ पर q नॉट इक्वल, और p और q का जो वो होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, P और Q सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, को प्राइम नंबर हो जाना चाहिए, और Q not equal to zero का मतलब होता है कि अगर ये नीचे जीरो हो जाएगा तो जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे हम बात करें ऊपर 4/0 है, ये अनंत हो जाएगा। क्लियर है? तो जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो अनंत आ जाता है। क्लियर है? और जीरो में, जीरो को किसी से भाग देते हैं तब जीरो ही आता है, ये चीज़ है, किसी संख्या के पावर जीरो है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ये डिफिनीशन है परमेय संख्या। अब देखिए हमारे नेचुरल नंबर क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर थे n, देखिएगा क्या थे, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इस सारे नंबर को हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1। क्लियर है? क्या है ये,
पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है बल्कि वन है। फोर को लिख सकते हैं फोर बाई वन, फाइव को लिख सकते हैं फाइव बाई वन। तो सारी की सारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं। वो हर एक नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख पाए, यहाँ पे पी और क्यू के बारे में भी बताना पड़ेगा, जहाँ पर पी एवं क्यू पूर्णांक हैं। पी और क्यू क्या हैं, पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक भी। जब भी पूर्णांक बोला जाए तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक उसमें दोनों इंक्लूड है। जैसे हम बात करें कोई नंबर -3/4, -3/4 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, धनात्मक हो गया। तीन और चार में अगर देखा जाए उभयनिष्ठ, यानी कि तीन और चार क्या है हमारा, को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, दोनों में वनिष्ठ हमारा सिर्फ और सिर्फ वन है। तो छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज कम से कम चलिए श्री गणेश हो गया चैप्टर नंबर वन का, और बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि है ये सब करना है, ये नहीं कि मेरा मन कर रहा था बताने का और हम बता रहे हैं, ज़बरदस्ती आप पे थोप रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम नहीं बताते तो इसके पास नहीं पहुँच पाते। जब ये नहीं जानेंगे तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। चलिए अगर होल नंबर की बात करें तो जीरो बाई वन को देखिए, होल नंबर हमारे क्या शुरू होते हैं जीरो से ना, जीरो वन टू थ्री फोर। तो सारे के सारे जो होल नंबर हैं, जीरो बाई वन, वन को लिख सकते हैं वन बाई वन, टू को लिख सकते हैं टू बाई वन, थ्री बाई वन। तो सारे के सारे जो होल नंबर हैं सब के हैं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसे पी बाई क्यू ग्रुप में लिखा जाता है। पूर्णांक हैं जो जेड हैं, जैसे जेड क्या है, जीरो वन टू थ्री फोर, इधर क्या है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये देखिए जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाई वन, वन को लिख सकते हैं वन बाई, देखिए वन बाई वन, यहाँ पे भी वन, माइनस टू बाई वन, माइनस थ्री बाई वन। इस डिफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखा गया कि क्यू वन नहीं होना चाहिए। क्यू के बारे में सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, वन हो आ रहा है तो क्या दिक्कत है। तो यानी कि जो सारे के सारे जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जो जेड हैं, ठीक है, चाहे वो जेड प्लस की बात करें जो धनात्मक पूर्णांक, चाहे जेड माइनस की बात करें, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक चाहे ऋणात्मक पूर्णांक, सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है मतलब समझिए सब कुछ है, बहुत बड़ा नंबर है ये। अभी इससे भी बड़ी एक संख्या आएंगी, वास्तविक संख्या है, उसमें देखिएगा जेड हो गया। अब देखिए सम संख्याएं, अगर जो इवेन नंबर है ई, सम संख्याएं क्या है भाई, दो चार छः आठ दस, इसी तरह से आगे जितने भी इवेन नंबर हैं, यानी कि दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, सम संख्याएं जिसे बोलते हैं, ये सब के सब क्या है, परिमेय संख्याएं। देखिए टू को लिख सकते हैं टू बाई वन, फोर को लिख सकते हैं फोर बाई वन, सिक्स बाई वन, एट को एट बाई वन, टेन को टेन बाई वन, क्या है इवेन नंबर। इवेन नंबर भी हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्लियर हुआ। अब देखिए ऑड नंबर क्या है, जो ऑड नंबर हमारा क्या है, वन थ्री फाइव सेवन, इसको भी क्या लिख सकते हैं, वन को वन बाई वन, थ्री बाई वन, फाइव बाई वन, सेवन बाई वन, डॉट डॉट डॉट। तो सारे के सारे विषम संख्याएं, सारे के सारे विषम संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसे हम पी बाई क्यू के रूप में क्या कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। तो दुनिया का वो हर एक नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख पाएँ, रिप्रेजेंट कर पाएँ, और जहाँ पे कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब बहुत बार पूछा जाता है कि जीरो क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए जीरो क्या परिमेय संख्याएं हैं, तो है तो क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन। इसमें डिफिनेशन भी ये दिया गया है कि नीचे वाला यानी हर नहीं जीरो होना चाहिए। अभी कहीं पर भी नहीं बोला गया था कि अंश जीरो नहीं हो सकता है, अंश जीरो हो सकता है। जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाई वन, परिमेय संख्या है, तो जीरो तो परिमेय संख्याएं हैं। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, देखिए हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, जेड नंबर, है पूर्णांक और इवेन नंबर, ऑड नंबर। अब आ जाइए तब ये सारे के सारे सहभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर भी, जो पी है प्राइम नंबर भी क्या है, प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, दो से शुरू होती हैं,
ध्यान दीजिएगा, पहले हम देख लें दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं दिखता है, दिख रहा है। प्राइम नंबर क्या है? 2 है 3 है 5 है 7 है, यहाँ पे 9 नहीं है 11 हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, 5 को लिख सकते हैं 5/5/1, 7/1, 11/1, तो सारे के सारे प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएँ। ठीक है, अभाज्य संख्याएँ भी क्या हो गई, ये भी हमारी परिमेय संख्याएँ हैं, और स अभाज्य संख्याएँ भी क्या हैं, परिमेय संख्याएँ हैं। तो ये जो परिमेय संख्या एक तरह कह सकते हैं सबका बाप है, ठीक ना। परिमेय संख्याएँ अपने अंदर एक बहुत सारी संख्याओं को समेटे हुआ है, क्लियर है। प्राकृतिक संख्याएँ, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएँ, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, प्राइम नंबर, सबको क्या है अपने अंदर समेटे हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या। तो ये जो है परिमेय संख्या का छोटा सा डिस्कशन हुआ यहाँ पे पी बाई। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, देखिए माइन 3.5/7 इस तरह से, अभी ये परिमेय संख्या नहीं है। इसकी जो डिफिनीशन है कि पी और क्यू हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, पी और क्यू हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, ये बताना बहुत ज़रूरी है सब कुछ। ये नहीं कि ऐसे बता रहे हैं, कोई नहीं बताया होगा, आप 9th में पढ़े हैं, कन्फ्यूज़न ही रहता है हमेशा, क्लियर है। तो अब देखिए सबसे बड़ा सवाल है, मिटा दें इसको, आई होप कि सीख गए होंगे। वो हर एक नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखिए, अब जो हम बताने वाले हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मान लीजिए कोई एक नंबर एक्स है 3.5/7, चलिए ये क्या परिमेय संख्या है? जी परिमेय संख्या अभी नहीं है, क्योंकि इसमें डिफिनीशन में है कि पी और क्यू सदैव क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब होता है कि उसमें दशमलव वाला नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए ये नीचे वाला जो नंबर है इसे क्यू की तरह लिया जाएगा, 7 है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि 7 है तो जीरो नहीं है। और यहाँ पे जो पी है वो पी क्या है हमारा 3.5 है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा पूर्णांक नंबर, पूर्णांक संख्या नहीं है, 3.5 दशमलव में आ जाएगा। इसको आप चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 3.5 ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करके 7 × 10, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या नहीं, इसको नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। ये हो जाएगा 35/70। अब इसको काट दीजिए 1/2, अब जो है ये परिमेय संख्या होगी। डिफिनीशन और डिफिनीशन जो होनी चाहिए उस पर हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पे अब दिख रहा है परिमेय संख्या, तो जो डिफिनीशन है वो होना चाहिए हमेशा, क्लियर है। तो परिमेय संख्या के बारे में हो गया, नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा, -5/7 भी है तब भी क्या है परिमेय संख्या है। दोनों देखिए 8/-9 है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जीरो नहीं हो सकता है, जो डिफिनीशन है, जो कंडीशन है, ये परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखिए, अब आ जाइए अपरिमेय संख्याएं। अभी वास्तविक संख्याओं पे हम नहीं गए, जो 9वां नंबर है यहाँ पे हमने नंबर नहीं दिया था, 9वें नंबर पे गड़बड़ है, 9वें नंबर पे आता है अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद 10वें नंबर पे वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं ये सब जानना जरूरी है, कहीं पे भी कोई नहीं बताता है डिटेल में। अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब देखिए वो हर एक संख्या क्या है, 9वां संख्या जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानेंगे तभी बात बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, देख लीजिएगा एक बार इंग्लिश, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या है वो हर एक नंबर जिसे पी बाई की रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे पी और क्यू दोनों दोनों पूर्णांक हों, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हैं, लेकिन ठीक वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई नंबर एक्स है, तो दिस नंबर कैन नॉट बी डिफाइन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। कोई भी नंबर जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे हम बात करें अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब हमें डिफाइन करना है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 9 नहीं 3 हो जाएगा, अंडर रूट हमारा जो है 11, ठीक है, अंडर रूट 13,
ये सारे ऐसे नंबर हैं, देखिएगा x को बहुत बच्चा क्या करेगा कि अंडर रूट 2 बाई 1 के रूप में लिख सकता है और कहेगा कि ये तो देखिए मैंने p बाई q के रूप में लिख दिया, ये तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन है। तो नहीं भैया, यहाँ पे p और q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ये चीज़ है ठीक ना। तो यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है, अंडर रूट 2 जो है एक पूर्णांक नहीं है ठीक है। यहाँ पे तो है पूर्णांक लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। q नॉट इक्वल टू जीरो है, ये जो है ये तो p हो जाएगा, p अंडर रूट 2 और q हो जाएगा हमारा 1। चलिए तो ये तो कंडीशन सही है लेकिन ये नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। परिमेय संख्याएं क्या हैं इसको हम समझेंगे, इसको थोड़ा सा एक ग्राफ समझ लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो कुछ नया चीज़ सीखने को मिला कि नहीं, जो आप पहले से जानते थे उसमें कुछ जानकारी ऐड हुई कि नहीं? तो ये संख्याएं हैं, इसी से गणित का आविष्कार हुआ, सब कुछ चीज़ें यहाँ से, तो जानना ज़रूरी है। ये ना कि कोई पूछ दे तो एकदम हक्का बक्का होगा कि अरे क्या चीज़ पूछ दिया नया जो हम नहीं जानते, ये चीज़ होना चाहिए। इसको जो अगर एक झोला हम बना दें, अरे ये कैसा झोला बन गया ठीक है, ये हम झोला बना लें इसी में, ये कैसा झोला यार, ये कैसा झोला है, एकदम बहुत बेकार ठीक है। चलिए इसको हम बना देते हैं, चलिए इसे मटका बना देते हैं ठीक है। इसी मटके में हम क्या कर दें, नेचुरल नंबर डाल दें ठीक है। इसी मटके में हम क्या कर दें, होल नंबर डाल दें। इसी मटके में हम क्या करें, उसके बाद क्या था, जेड ठीक है। और इसी मटके में हम क्या डाल दें, इवन नंबर ठीक है। इसी मटके में हम क्या डाल दें, ऑड नंबर ठीक है, ये प्राइम नंबर क्लियर है। और क्या था, पी प्राइम नंबर हो गया, और क्या था इसमें, जितने भी सारी चीज़ थी, जेड, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सब कुछ मिला के क्या बनाएगा, एक परिमेय संख्या। यानी कि ये जो झोला है ये परिमेय संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। समुच्चय के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, मतलब ये जो झोले में ये सबको अपने अंदर समेटे हुआ है, परिमेय नंबर, परिमेय संख्याएं, क्लियर है। आज ही अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस हो गया। अब देखिए, अब वास्तविक संख्याएं जो हैं, अब वास्तव में आप जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि 10वें नंबर पे है। तो जो हेडिंग था अब हम पहुंचे हैं, वास्तविक संख्याएं ठीक है। इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से, वास्तविक संख्याएं क्या बोलते हैं, रियल नंबर इसी से आता है, कैपिटल आर दिखाते हैं, रियल नंबर ठीक है, कैपिटल आर। तो रियल नंबर जो है कलेक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या अभी भी पता चला कितना बड़ा कलेक्शन है सब इसकी, इसके अंदर लगभग लगभग सारी की सारी संख्याएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याएं ठीक है। अब अपरिमेय संख्याएं भी अगर जुड़ जाएं तो ये मिल के हमारी क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या ठीक है। अब देखिए आर कितना बड़ा हो गया, आर तो परिमेय संख्या से भी बड़ा हो गया, कि परिमेय संख्याएं तो अपने अंदर रख ही रहा है, साथ में ये सारी जो नंबर हैं इसको भी क्या है, अपने अंदर रख रहा है ठीक ना। तो वास्तविक संख्याएं वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, जितना भी आप सब जानते हैं सब है, और अपरिमेय संख्या है ठीक है। ये बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत बड़ी संख्याओं का समुच्चय है, इसके अंदर बहुत बड़ा है ठीक है। तो रियल नंबर लगभग लगभग हम जितने भी सारे नंबर जानते हैं वो सब के सब क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, क्लियर हुआ। तो ये रहा छोटी सी चीज़ें, छोटी सी जानकारी, जो कि अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत आता है, प्रूफ करिए कि जो है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका प्रूफ उल्टा होता है, हम इसको मान लेते हैं कि माना एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो अगर अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिखा जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा। यही सब लेके चलना है, इसीलिए हम बताए हैं, ये नहीं कि मेरा मन कर रहा था, क्लियर हुआ। तो चलिए छोटी सी चीज़ें और हम बताते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या पढ़ना है।
तो देखें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि आज यही सब जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आज हो गया, अच्छी बात है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, जैसे कोई भी संख्या 235 बटा में, ये है 8250। जैसे क्या है कि इसको भाग भाग दिए बिना हमें बताना है, ये जैसे मान लीजिए और भी बड़ा कर लीजिए, 9 यहाँ पे 7 कर लीजिए, भाग नहीं देना है और बताना है कि यह संख्या जब हम भाग देंगे इसका जो दशमलव है वो एक जगह टर्मिनेट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं शांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बारे में जानना है, शांत आवर्ती, शांत परिमेय संख्या है और अशांत, ये सारी चीज़ें आएंगी। और क्या है, और एचसीएफ, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, लेकिन आप जो जानते हैं पहले से वो नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आप पहले से जानते हैं जो तरीका उससे नहीं निकालना है, तो नया चीज़ है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना एक चैप्टर में है, और ऐसे एक करके थोड़ी सी अंडर प्रूफ करना है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 3 लेक्चर में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज ये इंट्रोडक्शन था कि वास्तविक संख्याएं वास्तव में क्या होती हैं, जानना बहुत ज़रूरी था, ज़रूर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। आई होप जो बच्चे पहले से जान रहे थे अच्छी बात है, अगर नहीं जानते थे तो जानकारी हो गई। कल से हम जो है डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का सारे सवालों को। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। सभी जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें, तुरंत लाइक कर दें, मज़ा आ गया होगा आज पढ़ाने में, पढ़ने में। देखिए, हमको पढ़ाते समय भी काफ़ी आनंद आता है, अगर आप पढ़ने का भी आनंद उठा लें तो हम और आप मिलकर एक बेहतर रिजल्ट बना सकते हैं। 2021 में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और सब कुछ चीज़ें अब सामान्य हो रही हैं, स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो परीक्षाएँ होंगी ही होंगी इस बार, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, ये भाषण देने वाली बात नहीं है, खुद से एनालाइज करने वाली बात है कि हमें क्या करना है 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, किसी भी राज्य की बात करें, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जितने भी हैं राज्य जहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़ाई होती है, सभी के लिए चीज़ें कॉमन हैं। अब ये नहीं कहेगा कि सर वास्तविक संख्या है हम लोग के यहाँ नहीं, सभी के यहाँ पढ़ाई जाती है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और जो कॉन्सेप्ट है, जो सब कुछ बताएं, वो सब कुछ हर जगह सेम है, तो ये नहीं कहेंगे कि हम राजस्थान बोर्ड में अलग है तो हमारे बोर्ड में अलग है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं पढ़ाया, ऐसा नहीं है। हमने सिलेबस देखा है लगभग हर राज्य का और सब कुछ समान है, तो जो बच्चा कहीं से भी है हिंदी मीडियम का देख सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यार बच्चों, जो भी बच्चे अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर दिन आपको सुबह 9 बजे, कभी कभार 1-2 दिन हो जाता है, ठीक है, हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं कभी कभी लगातार वीडियो बनाने से, काफ़ी काम भी हो जाता है, किसी कारणवश काम पड़ गया तो नहीं बन पाया वीडियो, तो परेशान हो, उसको क्या करिए कि रिवीजन भी किया करिए, जो भी चीज़ें इसके पहले पढ़ी हुई हैं 1-2 क्वेश्चन उठा लीजिए, 4-5 लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। और आप कमेंट करके बताएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आपका जो डाउट सेशन शनिवार क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।